दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी रिपोर्ट्स बताने वाले हैं जो इस देश के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी तो भारतीय हैं। क्या क्या रिपोर्ट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस देश की मीडिया को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसने हमारा सर झुका दिया है। और दूसरी रिपोर्ट सरकार को लेकर है जो अमेरिका से निकल कर सामने आई, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बता देते हैं आपको फटाफट दोनों रिपोर्ट्स, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको यहाँ पर औरों से बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। तो क्या है रिपोर्ट्स वो सुन लीजिए। ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF की नई रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यानी कि हमारे देश की मीडिया की हालत बता रहा हूँ मैं, भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 की हो गई है, यानी कि हम नीचे जा रहे हैं, जबकि 2022 में भारत 150वें स्थान पर था और उससे पहले 142वें स्थान पर था। यानी कि हम हर साल, हम यानी कि हमारे देश का मीडिया नए कीर्तिमान बनाते जा रहा है। हमारी तुलना में पाकिस्तान ने मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में अपना प्रदर्शन पहले से बेहतर किया है। पाकिस्तान ने पिछले साल की 197वीं रैंक में सुधार करते हुए अब 150वां स्थान हासिल किया है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर बताया जाता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि हमारे देश के मीडिया की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के मीडिया की साख पूरी दुनिया में हुआ करती थी, जो भारत में कोई खबर लीक होती थी पूरी दुनिया उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अब हमारी हालत इतनी दयनीय होती जा रही है। मीडिया को लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स जब आती है कि हम वो डाउन होते जा रहे, इंडेक्स हमारे लिए नेगेटिव साबित होते जा रहे हैं, तो फिर हम सबका शर्म से सर नीचे होता है और देश की भी साख खराब होती है, लेकिन मीडिया वाले समझने को राजी नहीं है। चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, वो क्या वाकई में अपना कर्तव्य निभा पा रहा है? अब ऐसा लगता है कि मीडिया ना होते हुए बस PR एजेंसियां बची, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? वैसे भी मैं मीडिया को लेकर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई दम भी नहीं है, कब तक की जाए उसके बारे में बात। अब तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी मीडिया, हमारे मीडिया के बारे में असलियत जान चुका है, समझ चुका है, और इसीलिए इस तरह के रिपोर्ट्स निकल कर जब सामने आती है तो हम सबका बुरा लगता है, हम सबके साथ गिरती हैं। चलिए अब हम दूसरे रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये दरअसल दैनिक भास्कर में खबर छपी, आप भी जाकर गूगल कर सकते हो। तो दैनिक भास्कर के मुताबिक अमेरिका में एक कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया है। जी हाँ, यानी कि अमेरिका में हमारे खिलाफ मामला कुछ अलग ही चलने की कोशिश या चलाने की कोशिश हो रही है। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार चौथे साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने कहा है कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। इस सूची में डाले जाने के बाद भारत पर ऐसा बताया जाता है कि आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती हैं। सरकार अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने वाली पॉलिसी बना रही है। कमीशन ने कहा है कि भारत सरकार न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि राज्य और लोकल स्तर पर भी ऐसे कानून बना रही है जिससे अल्पसंख्यकों के भेदभाव हो रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट में गोहत्या, धर्म परिवर्तन और हिजाब पर बने कानूनों का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इन कानूनों की वजह से मुस्लिम, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स में कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार विरोधियों की आवाज को दबा रही है और साथ में सरकार उनके जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और अपने हकों की आवाज उठाते हैं उनकी भी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बाइडेन भारत पर कार्रवाई करने में फेल रहे हैं, ये भी उस कमीशन ने कहा है। तो अमेरिका का जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन केवल सुझाव दे सकता है, ये केवल कह सकते हैं सुझाव के तौर पर ही काम करता है, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो इसे मानेगी या नहीं। कमीशन ने पहले भी 3 बार भारत को ब्लैकलिस्ट करने का सुझाव दिया था जिसे वहाँ की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस पर कमीशन ने बाइडेन की सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। यानी कि ये जो कमीशन है यह सिर्फ कहता है सरकार से कि ऐसा ऐसा हो रहा है,
चाहे तो आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सरकार डिसाइड करती है। ये जो कमीशन है ये तो अपने रिपोर्ट्स सरकार को सौंपता है। तो कमीशन ने कहीं ना कहीं बाइडेन सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि वो सरकार के साथ यानी कि मोदी सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। कमीशन ने कहा है कि बाइडेन भारत के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते हैं, नाकामयाब रहे हैं। अमेरिका हमारे सुझावों के बावजूद भारत से रिश्ते मजबूत कर रहा है। 2022 में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बाइडेन भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं और भारत ने कहा था कि यह पूर्व नियोजित सोच का नतीजा है, यानी कि जो कमीशन रिपोर्ट देता है इस पर कहा है कि यह पूर्व नियोजित सोच के अनुसार काम कर रहा है। अमेरिका आयोग ने पिछले साल जून में भी भारत को इस सूची में रखने का सुझाव दिया था और इस पर सरकार ने अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को गलत बताया था, यानी कि हमारी सरकार ने कहा था कि यह रिपोर्ट गलत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, अफसोस की बात है कि USCIRF अपनी रिपोर्ट बार बार तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती है। भारत ने कहा था कि हम अपील करेंगे कि पहले से बनाए गए सोच और पक्षपातपूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। जी हाँ, ब्लैक लिस्ट किए गए देशों में चीन और पाकिस्तान भी वैसे शामिल बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमीशन ने भारत के अलावा अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम को भी ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। वहीं चीन, पाकिस्तान और सऊदी समेत जैसे 8 और देशों को फिर से इस सूची में शामिल करने को कहा है, यानी कि कई सारे देश इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। वो कुछ देश की सूची भी सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि म्यांमार और उसके बाद क्यूबा, जी हाँ क्यूबा भी इस लिस्ट में शामिल है, साथ में है इरिट्रिया भी शामिल है और भी कुछ देश है, ईरान जैसे देश, ईरान का भी नाम इसमें शामिल किया गया है और निकागुरुआ का भी नाम शामिल किया, ऐसे तकरीबन 8 देश है, नॉर्थ कोरिया भी है इसमें। तो अब देखना ये है कि जो हाँ तजिकिस्तान भी है इसमें जैसे जैसे नाम कभी याद आता है वो मैं आपको, और हाँ तुर्कमेनिस्तान भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से 8 देशों की सूची भी सामने आई है। तो अब बात यह है कि क्या वाकई में जो कमीशन हमारे देश को ब्लैकलिस्ट करने की बात करता है, क्या वाकई में बाइडेन सरकार उस कमीशन की बात मानेगी? अभी तक तो नहीं मानी है, क्या आगे मान सकती है? हमारे देश को ब्लैकलिस्ट की मांग आखिरकार क्यों उठ रही है? सरकार तो कह रही है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया है, पुराने सोच पर आधारित है, नई सोच डेवलप कीजिए उसके बाद रिपोर्ट बनाइए। अब देखना यही होगा कि अगर बाइडेन सरकार फैसला लेती है इन फ्यूचर तो हम ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं लेती है, सरकार उस रिपोर्ट को गलत बताती है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे इसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर